101 गर्लफ्रेंड। पर तुम्हें अगली सर्दियों की छुट्टियों में मेरे साथ वक्त बिताना पड़ेगा। वैसे भी तुम अपने घर वापस जाओगी नहीं, सीसाइड चलते हैं कहीं। तुम इतनी पढ़ाई करती रहती हो हर समय, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, अरमान एक्साइटेड होकर कहता है। और तुम मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन सकती हो। अच्छे अच्छे कपड़े आपके लिए, यही आपका असली मोटिव था ना, तनुजा पूछती है। मैं तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाऊंगा, फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे लिए तैयार हो जाऊंगा, अरमान जवाब देता है। तुम्हें कौन तैयार होते हुए देखना चाहता है? मुझे सी साइड नहीं जाना, मुझे किसी ठंडे इलाके में जाना है जहाँ जाकर मैं स्नोमैन बना सकूं, तनुजा कहती है। मुझे ठंडे इलाके पसंद नहीं, और सच कहूँ तो वहाँ तुम बहुत सारे कपड़े पहन लोगी। अगर वो बहुत सारे कपड़े पहन लेगी तो कुछ भी नेचुरली नहीं होगा, और तो और अरमान को भी उसके कपड़े उतारने में उतना ही समय लगेगा। तनुजा अरमान को घूरने लगती है। चलो अब बस, ये लो मैंने तुम्हारे कहे सारे फल छील दिए हैं, यहाँ तक कि मेरे नाखूनों का रंग तक बदल चुका है तुम्हारे लिए फल छीलते छीलते। तनुजा उसका हाथ पकड़ लेती है और ध्यान से उसके नाखूनों की तरफ देखने लगती है। वाकई लड़के ने एक किस के लिए बहुत मेहनत की थी। मेरी उंगलियों को ऐसे देखना बंद करो और जल्दी से वो करो जिसके लिए तुमने वादा किया था, अरमान फल उठाकर साइड पर रख देता है और तनुजा को अपनी ओर खींच लेता है। तनुजा जैसे ही इधर उधर देखने लगती है, उसे एहसास होता है कि आसपास से जाने वाले सभी बच्चे उन दोनों को ही उन्हीं की गाड़ी को देखते हुए जा रहे थे। शर्मसार होकर तनुजा अरमान को धक्का मारकर खुद से दूर कर देती है। ये मेरा कॉलेज है, आप थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते क्या? अरे नहीं, तुम इतना घबराओ मत, वो बाहर से अंदर का कुछ भी नहीं देख सकते, अरमान कहता है। उसे नहीं पता था कि तनुजा ने क्या खाया था, पर उसके मुंह से मिंट की खुशबू आ रही थी। अरमान तनुजा को एक बार फिर किस करने लगता है। तनुजा उस समय बेहद डरी हुई थी और शर्मा रही थी। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसे अरमान को किस किया है। अब आगे से कभी भी तुम्हें किस चाहिए होगी तो उससे पहले तुम्हें ठीक मेरे लिए ऐसे ही फल लाने होंगे, यही तुम्हारी सजा है। अच्छा ठीक है, कहकर अरमान अपने सेक्रेटरी को फोन करता है और उसे ढेर सारे फल लाने को कहता है। तुम बाजार जाओ और वहाँ से 15 किलो अंगूर ले आओ, और हाँ ध्यान रहे कि वो खट्टे ना हो। वो ये सुनकर हैरान रह जाता है। सर आप इतने फलों का क्या करेंगे, ऑफिस में वर्कर्स को मारने हैं क्या? पर मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा कि कोई त्योहार है। नहीं तुम बस लाकर उन्हें ऑफिस में रख दो, अरमान कहता है। मैं दो बोल्स एक बार में ही छील दूंगा, देख लेना तुम, अरमान तनुजा को कहता है। अचानक तनुजा को अपनी कही बात पर अफसोस होने लगता है। वो कोई आम इंसान नहीं था, किसी भी कंपनी के सीईओ के लिए सारा दिन ऑफिस में बैठकर अंगूर छीलना ठीक नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मैं अंदर क्या कर रहा हूँ, अगर एक बार मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया तो, अरमान कहता है और अपनी घड़ी देखता है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, यहीं आसपास ही कहीं चलते हैं, मेरी स्किट के चक्कर में एक मीटिंग है तकरीबन 2 बजे, मुझे यहीं पास में एक अच्छी जगह पता है खाने के लिए। क्या वो जगह हाइजीनिक है, अरमान पूछता है। तनुजा के पास ज्यादा कुछ जवाब देने को था नहीं, हाइजीन रेटिंग पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तुम्हारा रिएक्शन देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्हें बी ग्रेड मिला हो हाइजीन में, पर चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे मैं खुद भी यहीं कहीं आसपास एक रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहा हूँ, क्या मैं अपने सेक्रेटरी से बोलकर काम शुरू करवा दूँ, फिर हम और फ्रीक्वेंटली मिल सकते हैं। तनुजा उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। दरअसल जिस दुनिया में अरमान रह रहा था बचपन से, तनुजा उससे कुछ ज्यादा वाकिफ नहीं थी। उसकी कोई जरूरत नहीं होगी, वैसे भी अगले साल तक तो मेरा कोर्स ही खत्म होने वाला है, आपका सेक्रेटरी भी बिजी होगा, आपके पास हर तरह के फनी काम है उनको देने के लिए, शायद इसीलिए ही आज तक वो सिंगल है। सच में अभी तक शिवानी का दिल नहीं जीत पाया है वो? उसके पास उसका दिल जीतने का मौका ही नहीं है, हर समय तो वो आपके आगे पीछे घूमता रहता है। तकरीबन 10 मिनट बाद वो उस जगह पहुंच ही जाते हैं। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो लंच टाइम से थोड़ा पहले ही वहां चले गए, वरना उन्हें बैठने तक की जगह मिलना मुश्किल था। तनुजा सब कुछ ऑर्डर कर देती है। जैसे ही वेटर वहां से जाता है, तनुजा का फोन बजने लगता है।
वो जैसे ही अपने फोन की तरफ देखती है उसका चेहरा मुरझा जाता है और वो जल्दी से फोन काट देती है। क्या हुआ, क्या ये वही लड़का है जो तुम्हें कल रात परेशान कर रहा था, अरमान पूछता है। नहीं नहीं, ये तो कंपनी वालों का फोन है, मैं पहले के डिजिट देखकर ही बता सकती हूँ। ये कहकर तनुजा वो नंबर ही ब्लॉक कर देती है और जल्दी से टॉपिक बदलने की कोशिश करती है। मानसी का बर्थडे है अगले महीने के पहले हफ्ते, वो अपने क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए एक पार्टी रखने वाली है, क्या आप ही वहाँ होंगे? मेरी ज्यादा उनकी फैमिली से बात नहीं होती, पर दीपिका काफी क्लोज है उनसे, वो जरूर जाएगी पार्टी में। पर अगर तुम वहाँ जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, मुझे कुछ न कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा बस, अरमान कहता है। देख लो जैसे आपको ठीक लगे, तनुजा हंसकर जवाब देती है। जब अमित ने फिर से तनुजा को फोन किया उसका कॉल सेंटर पर डाइवर्ट हो गया, तनुजा ने उसे ब्लॉक किया था। जैसे उसे इस बात का एहसास होता है कि हो सकता है तनुजा ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया हो, वो गुस्से से लाल हो जाता है और अपने फोन को जोर से पकड़ लेता है। फिर वो ये सोचकर हंसने लगता है कि तनुजा सिर्फ जिमी के उसकी जिंदगी से चले जाने की वजह से नखरे दिखा रही थी और बाद में उसी के पास रोते रोते वापस आ जाएगी। तभी अमित का सेक्रेटरी कमरे में आता है और कहता है, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि वो वेब सीरीज जिसे आपने टीवी पर आने से रोक रखा था अब बड़ी ही जल्दी टीवी पर आ जाएगी, वो अप्रूव हो चुकी है। अमित गुस्से में पीछे मुड़ता है। क्या कहा तुमने अभी, वो जवाब देता है। मैंने अभी पता करवाया है, जिमी अपने कनेक्शन इस्तेमाल कर रहा है ये सब करवाने के लिए, ऑनलाइन प्रोवाइडर भी उसकी जान पहचान का ही कोई आदमी है। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करता अमित गुस्से में अपना फोन दीवार पर फेंक देता है। क्रैक, फोन नीचे गिर जाता है। आपको वो वीडियो साइट याद है, आज से कोई भी फिल्म और वेब सीरीज उस साइट पर नहीं आएगी और जितने भी लोग हमारी फिल्म में हमारे साथ काम करना चाहते हैं हम उन्हें बोल देंगे कि वो इस साइट पर किसी भी फिल्म या सीरीज में काम नहीं कर सकते, उसका सेक्रेटरी आकर कहता है। काम डाउन, ऐसा करके तुम जिमी से दुश्मनी मोल ले लोगे। एक साल पहले तक शायद मैं उससे डर था पर अब नहीं, अमित हंसकर कहता है। जिमी के परिवार ने कभी भी फिल्म और टीवी की दुनिया में पैर नहीं रखा, या मेरे पास एडवांटेज है। मैं तो ये सोचकर ही हैरान हूँ कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी वो तनुजा की मदद करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है तनुजा ने उसे सारी बात बता दी होगी। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए, उसका सेक्रेटरी कहता है। मेरे हिसाब से तो हमें इस बात को जाने देना चाहिए। जाने देना चाहिए, अमित ने तो कुछ नहीं कहा पर आयशा बोलती है। ऐसे कैसे हम इस बात को जाने दे सकते हैं, अमित उससे इतना प्यार करता है, वो कहती है। पहले मुझे पार्टी में एक लड़की मिली थी जिसका नाम मानसी था, अभी उसे एक टीवी कंपनी ने साइन भी किया है, वो तनुजा की रूममेट है, अगले महीने की शुरुआत में वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगी और उसने मुझे भी वहाँ बुलाया है। अमित ये सुनकर आयशा की तरफ देखने लगता है। आयशा कहती है, इस मानसी का बैकग्राउंड भी है, मैंने सुना है कि उसकी आंटी किसी बहुत बड़ी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक हैं, और जहाँ तक मुझे अंदाजा है रूममेट होने के नाते वो तनुजा को भी वहाँ बुलाएगी। अमित, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है, अमित कहता है। पर अभी उसका इनविटेशन एक्सेप्ट मत करना, पार्टी से एक रात पहले ही उसे कहना कि तुम फ्री हो, अभी बता दोगी तो हो सकता है तनुजा अपना प्लान कैंसिल कर दे। हाँ ठीक है, आयशा मुस्कुराते हुए कहती है। कॉलेज वापस आते ही तनुजा को डायरेक्टर साहब का फोन आता है, वो कहते हैं कि वेब सीरीज अप्रूव हो चुकी है और वो अब किसी दूसरी साइट पर रिलीज होगी। तनुजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है और फिर दीपिका से जिमी का नंबर मांगती है। उसने अरमान से नंबर नहीं मांगा क्योंकि उसे पता था कि वो उससे दर्जन भर सवाल करेगा। वो जिमी को थैंक यू बोलने के लिए फोन करती है। जिमी जी, ऑनलाइन सीरीज के अलावा मुझे आपको एक और बात के लिए शुक्रिया अदा करना है, अरमान को हमारी बात के बारे में कुछ ना बताने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम काफी देर तक इस बात को उससे छुपा के रख सकती हो, जिमी जवाब देता है। मैंने किसी से पता करवाया था जो भी तुमने कल मुझसे कहा था, तुमने मुझे सब सच ही बताया था, उस अमित ने ही तुम्हें अपनी ओर खींचा था जिसकी वजह से तुम उसके ऊपर गिर गई थी, तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए, उसने बेहद शर्मिंदगी भरी हरकत की थी, तुम किसी समय पर उसकी मंगेतर थी, पर उसने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काफी नाम कमा लिया है बीते कुछ सालों में, मुझे लगता है कि तुम्हारी मदद करना मेरे लिए कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा,
पर मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री का कोई भी आदमी उसकी बात टालने को तैयार ही नहीं था, कोई भी उसे ऑफेंड नहीं करना चाहता था। जी हाँ, मुझे पता है, तनुजा कहती है। फोन के बाद जिमी सीधा सीईओ के ऑफिस में चला जाता है। अरमान आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा दोनों हाथों से अंगूर छील रहा था और टेबल पर दो कंप्यूटर पड़े थे, और फल छीलने के साथ साथ वो समय से दोनों कंप्यूटर्स की तरफ देख रहा था स्टॉक मार्केट चेक करने के लिए। वो एक बेहद ही अजीब और रेयर सीन था। जिमी धीरे से कहता है, दीपिका ने कहा था कि अरमान। अपनी बात खत्म करने से पहले ही वो रुक जाता है। अरमान क्या? अरमान पूछता है, तुम अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटा नहीं सकते क्या? क्या तुम्हें पता नहीं कि अब मेरी एक गर्लफ्रेंड है? एपिसोड 102 स्किट। अच्छा ठीक है, मेरी गलती थी, क्या तुम मुझे जाने दोगे? जिमी अरमान को छेड़ने की सोचता है। इस सब का तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने से क्या लेना देना है, ये तुम्हारा बेडरूम थोड़े ही है। बिल्कुल लेना देना है, अगर कभी तनुजा यहाँ आने का सोचती है तो तब तो मैं तुम्हें ऐसे यहाँ आने नहीं दे सकता ना। कितना एम्बैरस हो जाएगी वो बेचारी मेरी गर्लफ्रेंड। जिमी को समझ नहीं आता कि वो क्या ही जवाब दे। उसका दोस्त एक बार फिर अपनी इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ा रहा था। तब जिमी सोचने लगता है कि अगर अरमान को अमित और तनुजा के रिश्ते के बारे में पता चल गया, फिर तब तो वो पागल ही हो जाएगा एकदम। क्या तुम सीरियस हो? मैं हर चीज को लेकर बेहद सीरियस होता हूँ। अरमान और फल छीलने की तैयारी कर रहा होता है। उसके हाथ अब दर्द करने लगे थे और उसे इस बात का भली भांति एहसास हो रहा था कि वो पहले तनुजा को कितना ज्यादा मिसट्रीट करता था। ओह, जिमी कहता है, क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की है कि अगर तनुजा का कोई एक्स बॉयफ्रेंड हुआ या फिर नहीं? मुझे पक्का तो नहीं पता, पर उसकी इनोसेंट लुक्स को देखते हुए ऐसा तो लगता है कि मैं ही पहला हूँ। इनोसेंट? देखो तो यहाँ इनोसेंट कौन है, जिमी सोचता है। जिमी का अब और अरमान को परेशान करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अगर उसका कोई एक्स बॉयफ्रेंड हुआ तो? एक्स बॉयफ्रेंड हुआ तो? अरमान अपना सिर ऊपर उठाता है और जिमी के साथ आई कांटेक्ट कर तनुजा को किसी और इंसान को किस करते इमेजिन कर लेता है। वो गुस्से में कहता है, अगर है भी तो मेरे सामने कभी नहीं आना चाहिए। तुम्हें क्या हुआ है, तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या पता चला है तुम्हें? मुझे क्या पता चलना है, जिमी खड़ा होकर कहता है। अगर मैंने इसे बता दिया कि तनुजा का एक एक्स बॉयफ्रेंड था या एक एक्स फियांसे था, तो ये तो गुस्से से पागल हो जाएगा और इसका सारा गुस्सा भी मुझ पर ही निकल जाएगा, जिमी मन ही मन सोचने लगता है। मेरी एक अपॉइंटमेंट है तो मैं भूल गया था, मैं चलता हूँ फिर, तुम यहाँ बैठो। जिमी जल्दी से ऑफिस से बाहर आ जाता है। अरमान जल्दी से अपना फोकस वापस खाने पर ले जाता है। आजकल वो इतना ज्यादा फ्री रहता था दिन में कि वो सारा सारा दिन यही काम किया करता था, और तनुजा जब कभी भी बीच में फ्री हुआ करती वो उसके साथ वक्त बिता लिया करता था। अगले कुछ दिनों में तनुजा ने अपना ऑलमोस्ट सारा वक्त स्किट की प्रैक्टिस में बिताया। वो अक्सर ही उन 6 लोगों से मिलकर सब डिस्कस किया करती थी। उन्होंने पूरा एक हफ्ता ले लिया स्क्रिप्ट फाइनलाइज करने के लिए। शनिवार की रात को अरमान तनुजा को अपने साथ खाना खाने के लिए ले जाता है। वहाँ तनुजा अपने साथ अपनी स्क्रिप्ट भी लेकर जाती है, जिसे पढ़कर अरमान हंसते हुए कहता है, तुम आजकल के बच्चे भी ना, सारी स्क्रिप्ट बस प्यार और लड़का लड़की के रिलेशन से ही भरी हुई होती है। तनुजा अपना केक खाते हुए कहती है, आप और मैं भी तो लड़का लड़की के रिश्ते में है ना, फिर तो आप भी पचकानी हरकतें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी तुम्हें पारिवारिक रिश्तों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, अरमान स्क्रिप्ट की तरफ इशारा करके कहता है। तुम्हारी पूरी स्क्रिप्ट में बस बाबू, शोना, नोनू, मोनू ही भरा है, जो कि तुम लोगों पर अच्छा नहीं लगता। आप ही बस 29 साल के हैं, ज्यादा 43 साल के लोगों की तरह बिहेव ना करें, ये सब तो किसी भी रिश्ते में बहुत आम सी बात है। मैं तुम्हें बाबू कहकर बुला सकता हूँ, या तुम भी मुझे कुछ कहकर बुला सकती हो, पर ध्यान रहे कोई भी और लड़का तुम्हें ये नहीं बोल सकता। और सुनो, तुम इस स्किट में केवल लीड एक्टर के पिता का रोल कर सकती हो। तनुजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही बोले। मजाक बंद कीजिए, उनके पिताजी आप आदमी। क्रॉस जेंडर परफॉर्मेंस तो अच्छी चीज है ना करने के लिए, प्रॉब्लम यह है कि वो 40 साल की उम्र का है। मुझे तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स पर पूरा भरोसा है, तुम अच्छा ही करोगी। अरमान केक के एक और पीस को तनुजा को देता है और कहता है, अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो लो और ले लो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बिना एफर्ट्स के ही कुछ चाहती हूँ, वो कहती है।
देखो, उस चीज का तो मैं तुम्हें वादा नहीं कर सकती। शो में 3 लड़के 3 लड़कियां होंगे और उसमें 3 फीमेल और 3 ही मेल कैरेक्टर्स हैं। आपने मुझे एकदम से कह दिया कि मैं एक मिडिल आम आदमी का रोल करूं, मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर किसी लड़के को एक 20 साल की लड़की का रोल करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी मानेगा। अरमान कहता है, मुझे नहीं लगता, मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्रॉस जेंडर परफॉर्मेंस तुम्हारे शो को 4 चांद लगा देगी। उस शाम का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा ये। तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ऐसे ही मिस कर दो। तनुजा तो अब आगे बात ही नहीं करना चाहती थी। सरप्राइज, मतलब कोई इंसान ऐसा कैसे ही हो सकता था। तनुजा अब अरमान से बहस करके थक चुकी थी, इसलिए वो बस अपना सिर हिलाती है और मन ही मन सोचती है कि मैं जो चाहती हूँ कर सकती हूँ, वैसे भी ये थोड़ी ना होगा वहाँ। और हाँ, मैंने तुम्हारे प्रेसिडेंट से बात की थी, मैं तुम्हारे क्रिसमस इवेंट पर आ रहा हूँ, फर्स्ट रो के बीचों बीच मेरी सीट होगी, तुम अपना बेस्ट देना, मुझे तुम्हारी क्रॉस जेंडर परफॉर्मेंस का इंतजार रहेगा। उसकी बात खत्म होते ही तनुजा अपना माथा सहलाने लगती है। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं क्रिसमस पर अकेला रहूं? अरमान पूछता है। जैसे पहले तो आप हर क्रिसमस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही सेलिब्रेट करते आए हैं, तनुजा धीमी आवाज में बोलती है। बिल्कुल नहीं, पहले मैं सिंगल था इसलिए मुझे कोई परवाह भी नहीं थी, पर अब मैं अचानक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहता हूँ क्रिसमस वाले दिन। जब भी मैं अकेला होता हूँ तब बाकी कपल्स को साथ देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है, अरमान कहता है। ये तो बहुत बुरी बात है। तनुजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आखिर क्या ही बोले। अरमान बड़ी उम्मीद के साथ बिल्कुल छोटे पप्पी जैसे तनुजा की तरफ देख रहा था। तनुजा उसे मना कर नहीं सकती थी और वो पिघल गई। अगले दिन जब सबको रोल्स दिए जा रहे थे, तनुजा ने वो क्रॉस जेंडर वाली बात सजेस्ट की। एक लड़का तभी जोर से हंसा और उसने वो आइडिया वहीं रिजेक्ट कर दिया। क्या तुम मजाक कर रही हो? चाहे इससे हमें अटेंशन मिलेगी, पर लोग हमें सिर्फ इसलिए ही देखेंगे क्योंकि हम एकदम वाहियात लग रहे होंगे। हाँ तनुजा, तुम्हारा आइडिया बहुत बेकार है, एक लड़की कहती है। प्रोफेसर ने इन 3 लड़कों को इसलिए नहीं चुना था क्योंकि ये बेस्ट थे, बल्कि इसलिए चुना था क्योंकि ये सबसे सुंदर थे। ये स्किट बनाई इस तरह गई है कि हम सब अपना बेस्ट शो कर सकें। तुम्हारे आइडिया से ये सब खराब हो जाएगा। ठीक है, तनुजा को पहले से ही पता था कि वो गलत थी, इसलिए वो अपना सिर हिलाकर बिना और भी बिल्कुल बहस किए उनकी बात मान जाती है। ये महीना बस खत्म ही होने वाला था। तनुजा सिर्फ अपनी स्किट में ही बिजी नहीं थी, पर मानसी के बर्थडे को भी लेकर वो बेहद बिजी थी। शाम को तनुजा और उसकी बाकी 2 रूममेट्स कमरे में बैठकर मानसी की बर्थडे पार्टी के बारे में बातें करते हैं। मुझे याद नहीं अगर मैंने तुम्हें बताया है या नहीं, पर मेरी सबसे बड़ी आंटी एक बेहद बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट हैं और मेरे मम्मी पापा भी वहीं काम करते हैं। इस बार शायद उनके कुछ दोस्त भी मेरी बर्थडे पार्टी पर आएंगे और मेरी सबसे बड़ी आंटी भी, मानसी कहती है। तनुजा ये सुनकर हैरान रह जाती है। उसे ध्यान आता है कि ये अरमान के पिताजी की कंपनी के बारे में ही बात कर रही थी और उसकी प्रेसिडेंट तो अरमान की दादी ही होंगी। उस कंपनी का सीईओ भी होगा वहाँ क्या? मेरी आंटी? नहीं, वो तो हमेशा बेहद बिजी रहती हैं। मैंने सुना है कि वो किसी बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड गई हुई हैं। वो नहीं आ पाएंगी पार्टी पर, लेकिन गिफ्ट जरूर भेजेंगी वो, मानसी कहती है। तुम महान हो मानसी, जिस कंपनी की तुम बात कर रही हो वो दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक है। वहाँ के क्लर्क तक की सैलरी भी लाखों में होगी। हर फ्रेश ग्रेजुएट वहाँ काम करने के लिए मरता है। अरमान, जिससे हम पहले मिले थे, वो भी तो उसका इकलौता वारिस है, जैस्मिन कहती है। हाँ, मेरी आंटी का एक ही बेटा है और उनकी बेटी को बिजनेस में आने का कोई शौक नहीं है। बढ़िया है, मैंने पहली बार इतना सुंदर दिखने वाला अमीर लड़का देखा है। जिसकी भी इससे शादी होगी ना, वो हमेशा बेहद खुश रहेगी, जैस्मिन तनुजा की तरफ देखकर कहती है। तनु, मैंने उस दिन तुम्हें उससे बात करते देखा था, तुम्हारा तो चांस भी हो सकता है बड़े आराम से उसके साथ। चीजें इमेजिन मत करो फालतू, वो बेहद रूड इंसान है और कभी भी कुछ भी बोलता है। किसी भी आम लड़की की बस की बात नहीं है उसे संभालना, मानसी कहती है। तनुजा को पूरे दिल से उसकी बात माननी पड़ी। और एक बात, इतना अमीर होने के बाद तुम्हें लगता है कि क्या इतना आसान होगा उनके परिवार में जाकर बसना? वो किसी अपने बराबर के परिवार से ही रिश्ता जोड़ना चाहेंगे, मानसी तनुजा से कहती है। मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम सुंदर नहीं हो, पर मेरे कहने का मतलब था कि तुम्हें कोई भी अमीर गुड लुकिंग लड़का बस बड़ी आसानी से मिल जाएगा, पर ये अरमान, इसका नखरा तो माउंट एवरेस्ट की तरह है। हाँ, मैं समझती हूँ,
तनुजा उसे जवाब देती है। हाँ, मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारा दिल ना टूटे। और सुनो, मैंने तुम सबके लिए गाउन्स मंगवाए हैं, शाम तक तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हें वही पहनकर मेरी पार्टी में आना है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, जैस्मिन खुश होकर कहती है। और मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम वहाँ होस्ट बनोगी, मानसी नहाने जाने से पहले कहती है। तनुजा एक हॉट वाटर बॉटल उठाती है और आगे चलने लगती है। शिवानी उसके पीछे पीछे जाती है। हे, क्या तुम ठीक हो? क्या? जो भी मानसी ने बोला, तुम्हें पता है ना, ये सारी बातें मैं पहले ही सोच चुकी हूँ। पर अभी हम दोनों एक दूसरे के साथ बस रिश्ते में आए ही हैं, और मैं प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहती हूँ बिना आगे का कुछ भी सोचे। क्या मुझे उसके साथ रहने का, शादी करने का अभी से सोच लेना चाहिए? मैं उस माउंट एवरेस्ट को एक मौका देने के लिए तैयार हूँ अगर वो मुझे जुबान दे, तनुजा आगे कहती है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मानसी म्यूजिक की लीड है? तुम दोनों सेम डिपार्टमेंट में हो। अगर मुझे इस बात का पहले पता होता तो मैं कभी उसकी पार्टी होस्ट करने के लिए नहीं मानती। कभी कभी ऐसा नहीं कि वो मुझे ओवरशैडो करने की कोशिश करती है। प्रोफेसर को पता है कि वो कैसी है, और उन्होंने बिना उससे पूछे ही उसे वो रोल ऑफर किया था। जल्द ही वो अपनी एक एल्बम रिलीज करने वाली है। अगर मेरा भी सब सही रहा तो हमारी एल्बम इकट्ठे ही रिलीज हो जाएगी। लोग हमें वैसे भी कंपेयर करेंगे ही। मुझे खुशी है कि तुम हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। एपिसोड 103, ड्रेस। पर मैं ऐसे एकदम उसके अगेंस्ट नहीं होंगी या उसे ऑफेंड नहीं करूंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे माइनर रोल भी नहीं मिलेगा म्यूजिकल में, शिवानी धीमी आवाज में कहती है। तुम अब अरमान की गर्लफ्रेंड हो, उसकी माँ मानसी की मदद कर रही है। क्या तुम उसे और उसकी माँ को ऐसी मुश्किल सिचुएशन में एक दूसरे के अगेंस्ट करवाओगी? और वैसे भी तुम्हारा रिश्ता तो अभी बस शुरू ही हुआ है। मेरा मतलब था कि अगर वो सच में तुम्हारी दोस्त है तो वो तुम्हारी दिक्कत समझेगी और तुम्हारे साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी शेयर जरूर करेगी, तनुजा कहती है। मैं और मानसी कभी दोस्त बन ही नहीं पाए इतने अच्छे। तुम्हें लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट के बाकी लोग इस बात से खुश हैं? कोई बात नहीं, पर फिर भी जिसको उसने अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाया है सब वहां जाएंगे। मैंने सुना है कि हमारे कुछ सीनियर्स भी जो ऑलरेडी टीवी और फिल्म में आने लगे हैं, वो भी उसकी पार्टी के लिए इनवाइटेड हैं। यहाँ तक कि दिलप्रीत भी, वो कहती है। तनुजा को शिवानी के लिए बुरा लग रहा था। तुम फिक्र मत करो, अगले साल एक बहुत बड़ा सिंगिंग शो होने वाला है हमारे शहर में। मैं उसके लिए रजिस्टर करने की कोशिश करूंगी, शिवानी कहती है। और मैं हॉस्टल छोड़कर बाहर फ्लैट लेकर रहना चाहती हूँ, पर मैं अकेले रेंट पे नहीं कर सकती, इसलिए मुझे रेंट शेयर करने के लिए एक फ्लैटमेट चाहिए। हम शेयर कर सकते हैं, तनुजा उसका हाथ पकड़कर कहती है। मुझे भी बाहर रहने का मन है, पर मैं भी अकेले रेंट नहीं भर सकती, शिवानी हंसकर कहती है। क्या तुम श्योर हो कि अरमान तुम्हें अपने साथ रहने के लिए नहीं बुलाएगा? तनुजा ये सुनकर शर्मा जाती है। पहले ही दिन जब वो अरमान की गर्लफ्रेंड बनी थी, उसी दिन अरमान चाहता था कि तनुजा वापस उसके घर आ जाए। इसलिए उसे भी लगा था कि ऐसा हो सकता है कि अरमान उसे अपने साथ रहने के लिए कहे। मैं शादी से पहले किसी भी लड़के के साथ नहीं रहूंगी, तनुजा कहती है। तुम सही हो, लड़कियों को हमेशा अपना खुद का ख्याल रखना आना चाहिए, शिवानी कहती है। अगले ही दिन वो तीन ड्रेसेस जो मानसी ने ऑर्डर की थी अपनी रूममेट्स के लिए, वो वहाँ आ जाती है। जैसे ही तनुजा वो ट्राई करने लगती है, तभी उसे अरमान का फोन आता है। तुम क्या कर रही हो? मैंने 10 बोल्स भर के फ्रूट्स छील दिए हैं। सुबह जब हम मिले थे तब तुमने मुझे एक बार किस किया था, इसका मतलब अभी 19 किसेस पेंडिंग हैं, अरमान खुश होकर कहता है। तनुजा को अब रिग्रेट होने लगता है कि उसने ये आइडिया आखिर दिया ही क्यों था। वैसे तो उसने ये आइडिया अरमान को सबक सिखाने के लिए दिया था, पर शायद उसे खुद को ही सबक मिल रहा था अब, क्योंकि शायद अरमान को इस खेल में मजा आने लगा था। तनुजा कुछ नहीं कहती। हेलो, तुम कुछ बोलोगी भी? अरमान थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कहता है। जो भी काम तुमने मुझसे करवाया है, वैसे ही उसकी वजह से मेरी उंगलियां दुख रही हैं। ऊपर से अब तुम कुछ बोल नहीं रही हो। अब अच्छा ठीक है, आप कल फल छीलना बंद कर दीजिए, मैंने वो डील कैंसिल कर दी है, तनुजा धीरे से कहती है। अच्छा, तुमने सच में वो डील कैंसिल कर दी? अरे वाह, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अब जब चाहूँ जहाँ चाहूँ किस कर सकता हूँ, 10, 20, 30 जितनी मर्जी बार। सही है, ये तो तुम्हें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, अरमान खुश होकर कहता है।
तनुजा का मन कर रहा था कि वो अपनी ही जीभ काट ले। वो अपने कमरे में अकेली नहीं थी, इसलिए उसने फोन पर अरमान को किस करने के बारे में ज्यादा बात नहीं की। तुम कर क्या रही हो? क्या तुम अपनी स्किट की तैयारी में बिजी हो? वो पूछता है। नहीं, मैं कपड़े ट्राई कर रही हूँ। कल मानसी का बर्थडे है और उसने हमारे लिए ड्रेसेस भिजवाई हैं। मैं वही पहनकर देख रही थी, तनुजा जवाब देती है। अच्छा, चलो फिर उसकी एक फोटो खींचो और मुझे भेज दो, अरमान कहता है। तनुजा साइड में आकर धीरे से जवाब देती है, ऐसे जिससे सिर्फ अरमान ही उसकी बात सुन पाए। आप कल मुझे देख ही लेंगे ना इस ड्रेस में? मैं अभी तुम्हें देखना चाहता हूँ, अरमान कहता है। और वैसे भी जितना मैं मानसी को जानता हूँ, उसने जानबूझकर तुम सबके लिए बेकार ड्रेसेस भेजी होंगी ताकि वो खुद कल सबसे अच्छी दिख सके। वो तुम्हारी रिश्तेदार है और वैसे भी वो काफी सुंदर है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा उसके बारे में ऐसा बोलना सही है? तनुजा अरमान को कहती है। इसमें क्या गलत है? मेरे लिए तो तुम्हें छोड़कर बाकी सारी लड़कियां ही बेकार दिखती हैं। ये सुनकर तनुजा अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। चाहे अरमान ने ये बस इसीलिए ही कहा था क्योंकि उसका लड़कियों में टेस्ट थोड़ा अलग है, न कि इसलिए क्योंकि तनुजा उसे सुंदर लगती है। तुमने तो मुझे कहा था कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, अब क्या हुआ? अब कैसे मैं आपको सुंदर लग रही हूँ? हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सर्जरी रही है जितनी मैंने आज तक देखी है इससे पहले। कितनी नेचुरल लुक है, उसे पूछना ही नहीं चाहिए था। चलो अब जल्दी से फोटो भेजो, तुम्हारे पास बस 2 मिनट का समय है, अरमान फोन काटने से पहले जल्दी से कहता है। तनुजा जल्दी से अपने कमरे में वापस आती है और काफी सारी फोटोज क्लिक करके अरमान को भेज देती है। वैसे तो तनुजा को खुद भी अपनी लुक ज्यादा पसंद नहीं आई थी, पर वो नहीं चाहती थी कि अरमान अब उसे और परेशान करे फोटोज मांग मांग कर। अरमान तभी उसे फोन करता है। तुम सफेद रंग क्यों पहन रही हो? बहुत प्लेन लग रहा है। और इतनी डीप नेक क्यों पहनी है तुमने? मुझे नहीं पसंद ये सब, इतनी डीप नेक्स नहीं पहन सकती तुम। तनुजा को पता ही था कि उसे अरमान को फोटोज नहीं भेजनी चाहिए थी। वो कहती है, मुझे लगता है कि ये अच्छी लग रही है। वैसे भी मानसी ने स्पेशली मेरे लिए ये ड्रेस बनवाई है, तो अगर मैं नहीं पहनूंगी तो उसे बुरा लगेगा। और नेक्स ज्यादा डीप नहीं है, आपको वैसे ही लग रहा है शायद। मैं तुम्हारे लिए और कोई ड्रेस भिजवा दूंगा, अरमान तनुजा की बात को इग्नोर कर देता है। मुझे नहीं चाहिए, मानसी का बर्थडे है, मैं नहीं चाहती कि मैं उससे उसकी लाइमलाइट छीन लूं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा वेगन पहनकर। क्या आप हमारी दोस्ती तुड़वाना चाहते हैं? उससे तो तुम सुंदर ही लगोगी चाहे जो मर्जी पहन लो, अरमान कहता है। तनुजा को समझ नहीं आता कि वो बात फनी थी या स्वीट। मैं कल का इवेंट होस्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं मेन स्टार को ओवरशैडो नहीं कर सकती। तुम क्या होस्ट कर रही हो? ऐसे तो तुम वहाँ मौजूद न जाने कितने ही लड़कों की अटेंशन हासिल करोगी, अरमान कहता है। तनुजा मुस्कुराने लगती है। उसे अरमान की बातें फ्रस्ट्रेटिंग और प्यारी दोनों एक साथ लगती हैं। क्योंकि आपको पहले मेरा काम कुछ खास पसंद नहीं आया था ना, हमेशा आपने मेरी इंसल्ट ही की है। जब से हमने डेट करना शुरू किया है तब से तो तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की हो। इसका मतलब अगर मैं आपको डेट ना कर रही होती तो मैं सुंदर नहीं हूँ? हाय भगवान, आखिर कैसा इंसान है ये, वो मन ही मन सोचने लगती है। उसने मुझे पार्टी होस्ट करने को कहा और मैं मना नहीं कर पाई। और हाँ, कल पार्टी में ज्यादा मेरे आसपास मत आना, मैंने सुना है कल आपकी दादी भी होंगी वहाँ। मैं इतनी जल्दी हमारा रिश्ता आपके घर वालों के सामने नहीं लाना चाहती, क्योंकि अभी हमें एक दूसरे के साथ आए हुए वक्त ही कितना हुआ है, तनुजा अरमान से कहती है। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मतलब मैं वहाँ खड़ा होकर बाकी लड़कों को तुम पर लाइन मारते देखूं? बस ये मत सोचना कि मैं बेहद अट्रैक्टिव हूँ। तुमने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इस प्लैनेट के सबसे परफेक्ट इंसान को। वैसे तुम्हारा क्या कहना है अपनी अट्रैक्टिवनेस के बारे में, अरमान पूछता है। मुझे नहीं लगता कि आप चाहेंगे कि आपके परिवार वाले हम दोनों के बारे में आपकी पीठ पीछे बातें करें। वैसे भी हमें साथ आए बस 2 ही तो हफ्ते हुए हैं, तनुजा एक लंबी सांस के साथ कहती है। एपिसोड 104, जेलसी। तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसे प्रटेंड करूंगा कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं, और अगर बाय चांस मेरे परिवार वाले तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि तुम इतनी सुंदर हो कि यहाँ तक कि जिमी भी खुद को रोक नहीं पाया, अरमान तनुजा से कहता है। जो आपको ठीक लगता है आप कीजिए, मैं अब आपको और कुछ नहीं कह सकती, ये बात मेरे बस के बाहर है अब, तनुजा अरमान को जवाब देती है।
तकरीबन शाम के 6 बजे थे जब डिनर के बाद तनुजा अपने क्रिसमस इवेंट की तैयारी करने लगती है। डांसिंग रूम में अपने क्लासमेट्स के साथ पहुंचती है। पहली रिहर्सल के बाद तनुजा को एहसास होता है कि उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। वो सबको उनकी गलतियां बताती है। तुम्हारा रैप अच्छा था पर परफेक्ट नहीं, तुमने बीच में डांस के 2 स्टेप्स मिस कर दिए, वो कहती है। मुझे माफ करना, मैं अगली बार बेहतर करूंगी। तुमने माफी क्यों मांगी, हमारा पार्ट सबसे ज्यादा मुश्किल है, एक लड़का दूसरी लड़की को कहता है। पर तुम दोनों पूरे शो के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल्स निभा रहे हो, तनुजा उन्हें याद दिलाती है। तुमने खुद ही अपने रोल्स चुने थे, तुम एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हो तो वो थोड़ा मुश्किल तो होगा ही। अब अगर तुम इसी एटीट्यूड के साथ रिहर्सल करोगे तो मेरे पास तुम्हारी जगह किसी और को डालने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तुम अपने हद में रहो, ये मत सोचो कि तुम जो चाहे कर सकती हो, क्योंकि प्रोफेसर ने तुम्हें इंचार्ज बनाया है। प्रोफेसर मेरी भी बेहद इज्जत करते हैं, बस मेरे मार्क्स तुमसे थोड़े कम हैं, इसलिए आज उस जगह पर तुम खड़ी हो, वो लड़का तनुजा से कहता है। चलो अब बस भी लड़ना बंद करो, हम ये सब अपने डिपार्टमेंट के लिए ही कर रहे हैं। तनुजा ने सिर्फ तुम्हारी गलतियां ही नहीं निकाली बल्कि उसने हम सबको एक एडवाइस भी दी। ऊपर से उसकी नजर अच्छी है, वो झट से सबकी गलतियां पकड़ लेती है। जितने अच्छे से वो अपना काम करती है, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी और कर सकता है, दूसरा लड़का उनकी लड़ाई सॉल्व करवाने के लिए कहता है। हाँ हाँ करो उसकी मदद, सबको पता है कि उसका एक बेहद अमीर बॉयफ्रेंड है, ये सुनकर सब एम्बेरस हो जाते हैं। तभी उनमें से एक जाकर कोल्ड ड्रिंक्स ले आता है। चलो सब इधर आओ, ड्रिंक्स के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अरे तुम फिर से सबके लिए ड्रिंक्स ले आए, कितने अच्छे हो तुम, अगली बार मैं सबके लिए ड्रिंक्स लाऊंगा। कोई बात नहीं, वैसे भी ये कौन सा बहुत महंगी है, वो जवाब देता है। तकरीबन 5 मिनट बाद जब उन सबकी ड्रिंक्स खत्म हो गईं, तनुजा खड़ी होती है और कहती है, चलो चलो फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं, हम थोड़ी देर और रेस्ट नहीं कर सकते। यार तनुजा को थोड़ी इज्जत दिखाते हैं, बेचारी को रात की स्पीच भी तैयार करनी है अभी। मेरी लाइंस कम ही हैं, मैं तुम्हारे साथ 2 पूरी रिहर्सल करूंगी, उसके बाद तुम मेरे बिना ही कर लेना, तनुजा कहती है, क्योंकि रिहर्सल के बाद उसे मानसी के बर्थडे के लिए स्पीच तैयार करनी थी। चलो चलो सब अपनी पोजीशन ले लो। शो में तनुजा और एक और लड़का एक कपल का रोल प्ले कर रहे थे। वैसे तो उनके कुछ खास सीन नहीं थे, पर जहां भी उन्हें आना होता था हाथ पकड़ना पड़ता था एक दूसरे का। अपनी रैप परफॉर्म करते समय उस लड़की को अचानक एक बेहद सुंदर दिखने वाला आदमी खिड़की से नजर आता है। वहां लाइट्स थोड़ी डिम थी पर फिर भी उस आदमी का सुंदर चेहरा अच्छे से चमचमाते हुए दिखाई दे रहा था। वो उसमें इतना खो जाती है कि अपनी लाइन ही मिस कर देती है। तुमने इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा गलतियां कर दी हैं। तनुजा पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो लड़की खिड़की की तरफ देख रही थी। जैसे ही तनुजा उस तरफ देखती है उसे वहाँ एक पेड़ के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। तुम आखिर देख क्या रही हो, वो पूछती है। मुझे अभी एक बेहद सुंदर आदमी, अभी वो बोल ही रही होती है कि अचानक डांसिंग रूम का दरवाजा जोर से खुलता है। अरमान एकदम से अंदर आ जाता है, वो बेहद गुस्से में लग रहा था। तनुजा हैरान रह जाती है उसे देखकर, पर इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती अरमान पहले ही उसकी तरफ आता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अपनी ओर खींच लेता है। उसे अचानक एहसास होता है कि उसने तो स्किट के लिए उस लड़के का हाथ पकड़ा हुआ था। अभी के अभी उसका हाथ छोड़ो, अरमान उस लड़के को कहता है। वो लड़का हैरान रह जाता है और एकदम से तनुजा का हाथ छोड़ देता है। तनु कौन है ये आदमी, आज के बाद इसे तनु बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, तनुजा कहकर बुलाया करो इसे, अरमान उसे धमकाता है। वो बस तनुजा की फीमेल फ्रेंड्स को ही उसे तनु कहकर बुलाने देता है। तुम आखिर हो कौन, कोई उससे पूछता है। अरमान उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखता है। उसे एहसास होता है कि वो तीनों लड़के जो तनुजा के साथ प्ले में थे बड़े ही डिसेंट से लग रहे थे। फिर वो उनकी लुक्स अपनी लुक से कंपेयर करने लगता है। तो तनुजा अपना सारा समय इनके साथ बिता रही थी। मैं तनुजा का बॉयफ्रेंड हूँ, अरमान उसका हाथ पकड़कर कहता है। वहाँ मौजूद दोनों लड़कियाँ अपनी आंखों से ही अपनी जलसी अच्छे से दिखा देती हैं। उसका दिल तो पहले से ही जब से अरमान कमरे के अंदर आया था तभी से जोरों से धड़क रहा था। वैसे तो उनके डिपार्टमेंट में बहुत सारे अच्छे दिखने वाले लड़के थे,
पर वो सब इमैच्योर बॉयश लुक्स देते थे। उनके सामने खड़ा ये आदमी लंबा मैच्योर लग रहा था और तो और बेहद ताकतवर भी। उसे पहले लगा था कि जो ऑनलाइन बातें हो रही थी कि तनुजा का एक बेहद अमीर बॉयफ्रेंड है, वो सब झूठ था। पर अब उसे सच्चाई का एहसास हो रहा था, जिसकी वजह से वो बेहद जलस हो चुकी थी तनुजा से। तनुजा, यह बहुत ज्यादा हो रहा है। जो भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, यह अचानक ऐसे हमारी प्रैक्टिस के बीच में नहीं आ सकता, एक लड़की उठकर कहती है। तुम होती कौन हो मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे कहने वाली, अरमान अचानक बीच में आकर कहता है। आप इधर आइए, तनुजा अरमान का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है। अरमान वहीं खड़ा उस दूसरी लड़की को देखता रहता है। मैं आपको इग्नोर करूंगी अगर आप अभी मेरे साथ बाहर नहीं आए तो, तनुजा गुस्से में कहती है। अरमान उसकी तरफ देखने लगता है। तुम लोग मेरे बिना रिहर्सल कंटिन्यू करो, तनुजा कहती है और अरमान को सीढ़ियों के पास ले जाती है। इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाती, अरमान कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम एक 40 साल के आदमी का रोल प्ले कर रही हो, तनुजा अपनी सफाई में कहती है। मैंने ऐसा कब कहा था, तुमने ही तो बोला था ऐसा करने को। मैंने सबको सलाह दी पर किसी को ये आइडिया पसंद नहीं आया, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हें मुझसे वादा ही नहीं करना चाहिए था अगर निभाना नहीं था तो। पहले तो तुमने मुझसे कहा कि तुम एक आदमी का रोल करोगी और अब फिर यहाँ कौन सी आश की चल रही थी तुम्हारी। मैंने कोई वादा नहीं किया था, आप अपने मन से ही बातें बनाना बंद कीजिए, तनुजा गुस्से में कहती है। वहाँ अचानक एक अजीब सी शांति हो जाती है। अरमान तनुजा का हाथ पकड़ता है और ऊपर लाकर तनुजा को दिखाते हुए कहता है, तुमने तो उस लड़के को खुद को ऐसे पकड़ने तक दिया, तुम उसकी बाहों में थी और प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। कोई थोड़ी बहुत शर्म बची है तुम्हें या नहीं, हद करती हो तुम कभी कभी। तुम्हें अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, ऐसे ही तुम राह चलते किसी भी आदमी का हाथ नहीं पकड़ सकती। कैसी हो गई हो तुम ये मत भूलो कि तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड हो। तुम्हारा हाथ पकड़ने का हक अब सिर्फ मेरा है, मैं तुम्हें ऐसे किसी भी लड़के के साथ नहीं देख सकता। वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। वो तनुजा को ऐसे किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकता था, सिर्फ वो ही अब ये सब चीजें कर सकता था तनुजा के साथ। हम एक नाटक कर रहे हैं। नाटक में भी इसकी परमिशन नहीं दूंगा। तनुजा, तुम्हें मेरे अलावा और किसी भी लड़के के साथ स्किन कॉन्टेक्ट करना अलाउड नहीं है, स्पेशली उस बदतमीज इंसान के साथ जिसे ना तो बोलने की अकल है और ना ही वो अच्छा दिखता है, अरमान गुस्से में तनुजा से कहता है। एपिसोड 105, परी। आप खुद को हमेशा परफेक्ट और इतना कॉन्फिडेंट क्यों मानते हैं, इतना भी क्या हो गया आखिर, तनुजा पूछती है। तुम सही कह रही हो, पर ये आदमी मेरे जितना हैंडसम नहीं है, इनफैक्ट मुझसे तो कंपेरेबल तक नहीं है। इसलिए वो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता क्योंकि तुम मेरी हो। ऐसा करके उसने न सिर्फ तुम्हारा बल्कि मेरा भी मजाक उड़ाया है, अरमान कहता है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं ऐसे किसी इंसान का हाथ पकड़ूं जो आपसे बेहतर है हर चीज में, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तनुजा पूछती है। अरमान उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या कोई इंसान है भी इस दुनिया में जो मुझसे बेहतर है, क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो। तनुजा एक गहरी सांस लेती है, फिर एक और ज्यादा गहरी सांस लेती है। वो हमेशा से ही एक बेहद शांत स्वभाव की लड़की रही है, पर जब से अरमान उसकी जिंदगी में आया है, अक्सर वायलेंट होने का मन करता है उसका। चलो ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, पर अगली बार किसी भी और आदमी को अपने आसपास भी मत आने देना, अरमान बात खत्म करने के लिए कहता है। तनुजा उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, मुझे माफ करना, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। हम अपना प्ले नहीं बदल सकते, हम काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। आपके कहने पर अगर मैंने प्ले बदल दिया, इसका मतलब होगा हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर देना और शुरुआत से सब शुरू करना एक बार फिर से। हमारे पास अब उतना समय नहीं है। ऊपर से मेरे प्रोफेसर ने मुझे इंचार्ज इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। मैं ऐसी पूरी टीम को फंसा कर उनके भरोसे की धज्जियां नहीं उड़ने दे सकती। तनुजा की बात सुनकर अरमान एक बार फिर गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दूंगा। क्या आप हमेशा इतना अनरीजनेबल बनना बंद कर सकते हैं, तनुजा कहती है। अगर मैं अनरीजनेबल होता ना, तो अभी तक उस आदमी का मुंह सिर खोल चुका होता जब मैं उसे तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर खड़े देख रहा था, अरमान कहता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम सिर्फ एक क्रॉस जेंडर परफॉर्मेंस ही कर सकती हो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अभी भी मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो
तो या तो अपना रोल दूसरा ले लो या फिर ये नाटक ही सारा दोबारा लिखो। एक बार मुझे ये कर लेने दीजिए, फिर ऐसा कभी नहीं होगा, तनुजा उससे भीख मांगने लगती है। बिल्कुल नहीं, तनुजा परेशान होकर उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है, मुझे माफ कीजिएगा पर मैं आपकी हर बात नहीं मान सकती, मेरी भी एक बॉटम लाइन है। अरमान ये सुनकर बेहद गुस्से में आ जाता है। जब वो बच्चा भी था तब भी कोई भी उसकी बात नहीं टालता था, पर शायद तनुजा के लिए वो उसके प्ले से भी कम इम्पोर्टेंट था। तनुजा तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया है, वो कहता है। अरमान गुस्से में पीछे मुड़ता है और सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। रास्ते में गुस्से में आकर वो डस्टबिन को लात मारने लगता है, फिर एकदम से रुक जाता है और अपना पैर पीछे कर लेता है। तनुजा अपना माथा सहलाने लगती है। शायद हर कपल के लिए चीजें ऐसी ही थीं। साथ आने से पहले उन्हें लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से संभाल लेंगे, पर साथ आते ही ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। तब उन दोनों को बारी बारी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं एक दूसरे के लिए। पर तनुजा भी तो आखिर हर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी ना, वो बेहद जेलस था। वो तो भगवान का शुक्र था कि तनुजा ने कभी एक्टिंग करने का सोचा नहीं, वरना तो न जाने अरमान क्या कुछ ही कर बैठता। वहाँ डांसिंग रूम में सब आपस में फुसफुसा रहे थे। जैसे ही तनुजा वापस वहाँ पहुँचती है, एक लड़का उससे पूछता है, तनु तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं कहा ना, बेहद गुस्से में लग रहा था वो, क्या तुमने उसे सारी बात अच्छे से समझा दी? क्या तुमने बिल्कुल अभी अभी उसके बॉयफ्रेंड की दी हुई धमकी नहीं सुनी? अभी उसने तुम्हें तनुजा को तनु कहने से मना किया है, एक लड़का हंसते हुए कहता है। बड़ा ही अजीब सा इंसान है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, यहाँ मौजूद सब लड़कियों के बॉयफ्रेंड होंगे पर वो लोग तो यहाँ ऐसे नहीं आए। मैं तुम सबसे अपने बॉयफ्रेंड के बिहेवियर के लिए माफी मांगती हूँ, दरअसल उनका मूड कुछ ठीक नहीं है। चलो अब बिना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए दोबारा रिहर्सल करना शुरू करते हैं, तनुजा कहती है। यहाँ कौन कीमती समय वेस्ट कर रहा है, एक लड़का तनुजा का मजाक उड़ाते हुए कहता है। बस अब, तनुजा उसकी तरफ गुस्से से देखती है। वो तुम ही थे जो सबसे पहले अपनी ही लाइंस भूल गए थे, वो भी मेरे बॉयफ्रेंड के अंदर आने से पहले। मैं उसे खिड़की के बाहर देखकर डर गया था। क्या तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो? क्या उसने तुम्हारी तरफ देखा या तुमसे बात भी की थी? उसने तो तुम्हें दूसरी बार मुड़कर देखा तक नहीं। अपने लैक ऑफ फोकस को उस पर मत डालो। अगर तुम्हें मेरी बात मानना पसंद नहीं तो मैं जाकर प्रोफेसर से बात कर लेती हूँ कि वो तुम्हें ही इंचार्ज बना दें, तनुजा कहती है। तनुजा की बात सुनकर वो लड़का शर्मसार हो जाता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। चलो फिर शुरू करते हैं। तकरीबन 11 बजे शिवानी अपनी नौकरी से वापस आ चुकी थी। तनुजा उस समय अपने बेड पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। शिवानी हंसकर तनुजा के पास जाकर उससे कहती है, आज तो तुम्हारा मूड अच्छा होना चाहिए, आज तो रात को अरमान से मिलोगी तुम। तनुजा अपनी किताब नीचे रखती है और उससे पूछती है, क्या तुमने उसे बताया था कि मैं कहाँ मिलूंगी? हाँ, वो मुझे मिला था जब मैं बाहर जा रही थी। उसने मुझसे कहा कि तुम उसके फोन को नहीं उठा रही हो और ना ही उसके मैसेजेस का जवाब दे रही हो, इसलिए मैंने उससे कहा कि एक बार डांस स्टूडियो में देख लो, अगर तुम्हें वहाँ मिल जाए तो। इस बात में कोई शक नहीं कि उसने मुझे वहाँ ढूंढ लिया था। दरअसल मेरा एक क्लोजअप सीन चल रहा था एक लड़के के साथ, और फिर बाद में मेरी और अरमान की उसे लेकर लड़ाई भी हो गई। इसमें लड़ने वाली क्या बात थी? माना कि अरमान थोड़ा पोजेसिव इंसान है, पर इसका एक मतलब ये भी है कि उसे तुम्हारी फिक्र है। तुम ज्यादा फिक्र मत करो, ऐसी लड़ाइयां तो चलती रहती हैं, एक दो दिन में हो जाएगा सब कुछ ठीक, शिवानी हंसकर कहती है। इसके बाद वो अपने कपड़े उठाकर नहाने चली जाती है, क्योंकि पूरा दिन गाना गा गा कर वो थक चुकी थी। संडे, मानसी का बर्थडे। अपनी सुबह की दूसरी क्लास के बाद तनुजा और जैस्मिन अपने क्लासरूम से बाहर आते हैं। वहाँ दिलप्रीत पहले ही खड़ा होता है। वो अच्छे से तैयार हुआ था, उसने एक बेहद अच्छी टी शर्ट पहनी थी एक ब्लू कलर की जीन्स के साथ, और उसके दोनों हाथ उसकी जेब में थे। तनुजा को देखते ही वो कहता है, तनु क्या तुम लोग भी शाम को मानसी की पार्टी में जा रहे हो? हम इकट्ठे चल सकते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम रास्ता बता देना। तनुजा अरमान के जेलस बिहेवियर के बारे में सोचती है और कहती है, अभी हमें हॉस्टल जाना है तैयार होने, हमें तकरीबन 40-50 मिनट और लग जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगा, दरअसल मैं वहाँ अकेले नहीं जाना चाहता, मैं ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ ना वहाँ के क्राउड से, दिलप्रीत कहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे,
जैस्मिन फटाफट जवाब देती है, मुझे रास्ता अच्छे से पता है। ठीक है फिर, मैं गाड़ी लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, दिलप्रीत मुस्कुराकर कहता है। तनुजा दिलप्रीत के जाते ही जैस्मिन से कहती है, तुमने उसे हाँ क्यों बोला? हो सकता है कि मानसी ये बात सुनकर नाराज हो जाए कि हम दिलप्रीत के साथ वहाँ आए हैं। ऐसा नहीं है वो, और वैसे भी उसी ने तो हमें कहा था कि कॉलेज के ही किसी इंसान से लिफ्ट भी ले लेना। वैसे भी उसका घर कितनी दूर है यहाँ से, हमें कोई आने जाने के लिए व्हीकल नहीं मिलेगा। तनुजा के पास अब उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। वो तीनों अपने कमरे में जाकर तैयार होती हैं और फिर दिलप्रीत के साथ मानसी की पार्टी में चली जाती हैं। वो चारों वहां पहुंचते हैं। मानसी का घर उस शहर के सबसे पॉश इलाके में था, बेहद बड़ा और खूबसूरत। जहां तक नजर जाती वहां तक ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। वो चारों वहां थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे और वहां की सजावट अभी तक नहीं हुई थी ढंग से। सभी स्टाफ मेंबर्स वहां खड़े काम करवा रहे थे। मानसी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने वाइन कलर का गाउन पहना था और साथ में एक बेहद कीमती हीरों का हार उसके गले में और चार चांद लगा रहा था। वो किसी भी परी से कम नहीं लग रही थी उस दिन।